बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लिखकर आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि एचबीएल में अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा होता है, और क्रेडिट कार्ड कौन से लोग अहल हैं, और क्रेडिट कार्ड कितनी किस्म का होता है, और इसकी सालाना फीस कितनी होती है, और सालाना फीस को आपने माफ कैसे करवाना होता है, और आप इससे शॉपिंग या आप किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम क्रेडिट कार्ड कितनी किस्म के होते हैं। क्रेडिट कार्ड हमेशा तौर पर तीन किस्म के होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं? पहले नंबर पर होता है मेरे पास गोल्डन जो क्रेडिट कार्ड मौजूद है, और उसके बाद आप इसके तीन कार्ड के नेम भी आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर पर होता है सिल्वर कार्ड, और उसके बाद गोल्डन कार्ड, और उसके बाद प्लेटिनियम कार्ड। और इनकी लिमिट होती है, आप इसमें एरिया होता है, लिमिट होती है। अगर आप जो सिल्वर कार्ड होता है वो आप कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए तक आप किसी भी जगह से शॉपिंग कर सकते हैं 1 लाख रुपए की। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, किसी भी जगह आप किसी भी शॉपिंग मॉल में है या किसी भी इजी पैसा जैस कैश में, आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर बैनर लगा होता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट यहाँ से हासिल करें, वहां पर 2/5 यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप किसी भी दुकान से लेते हैं तो आपको 2500 रुपया फीस पे करनी पड़ेगी, वो 1 लाख रुपया आप यूज कर सकते हैं। वो आपने वापस क्या बैंक को कब देना है वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। बहुत ही मजेदार है क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो। क्रेडिट कार्ड कौन से लोग अहल हैं वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे नंबर पर, पहले नंबर पर है, मैंने आपको तीनों कार्ड की जो है नेम बता दिए और इनकी लिमिट क्या है। सबसे पहले नंबर पर जो गोल्ड सिल्वर कार्ड होता है, इसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपया तक होती है, और उसके बाद गोल्डन कार्ड आ जाता है। सिल्वर कार्ड की आपको बता दी, अब गोल्डन कार्ड है। जो गोल्डन कार्ड है इसकी जो लिमिट है, कम से कम आप 3 लाख रुपए तक किसी भी जगह से शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं किसी भी जगह अगर आपके पास पैसा। और उसके बाद आता है प्लेटिनियम कार्ड, इसकी जैसे जैसे लिमिट है वो इसमें आप 15 लाख रुपए तक शॉपिंग कर सकते हैं। अब प्लेटिनियम कौन लोग कार्ड बनवा सकते हैं, और सिल्वर कार्ड जो है वो कौन लोग बनवा सकते हैं, गोल्डन कार्ड कौन बनवा सकते हैं। तो मैंने गोल्डन कार्ड बनवाया, तो गोल्डन जो कार्ड है ये कौन से लोगों के लिए अहल होता है और कौन से लोग इसके लिए ना अहल होते हैं। अगर आपका एचबीएल में अकाउंट है तो आपका, अगर एचबीएल में नहीं अकाउंट है किसी और बैंक में है तो आपको 6 माह की स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आपका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, आपने अभी तक कोई अकाउंट ओपन ही नहीं कराया, ये सिर्फ और सिर्फ और उनके लिए अहल होते हैं जिनका यानी कि सैलरी पर्सन हो या उनकी जो मंथली इनकम कहीं से आ रही होगी वो उसी हिसाब से जो है वो आपको इनका कौन सा जो एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो कौन सा प्रोवाइड किया जाता है उसी से आपको, यानी कि अगर आपकी जो इनकम है 40 से 45 साल से यानी कि 40,000 से ऊपर है मंथली, फिर आपको मिलता है गोल्डन कार्ड। इससे अगर आप 1 लाख या 2 लाख आपके अकाउंट में मंथली जो इनकम है तो उसमें आपको मिलता है गोल्डन कार्ड, और इसके बाद अगर आपकी ज़्यादा इससे 4-5 लाख रुपया है तो आपको मिलता है प्लेटिनियम कार्ड। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। ये सबसे पहले आपने किसी भी बैंक में स्टेटमेंट दें, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट देने के बाद आपका जो एटीएम कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड है उसमें एक दफ़ा वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड जो है बंद होता है। इसकी सालाना फीस की बात कर लेते हैं। सालाना फीस जो है वो 4,000 रुपया जो है वो गोल्डन कार्ड पर सिल्वर कार्ड पर है, और 8,000 जो कार्ड की फीस है सालाना, ये आप माफ भी करवा सकते हैं। माफ कैसे करवाते हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। जो सालाना फीस होती है सिल्वर कार्ड की वो 4,000 होती है, गोल्डन कार्ड की जो है वो 8,000 होती है, प्लेटिनियम की है वो आपको जिस तरह हिसाब से आपकी सैलरी होगी उसी हिसाब से अक्सर औकात रिचार्ज होती है, जिस तरह 16,000 रुपया तक भी होती है। आप उसको माफ कैसे करवाते हैं, तो आपने सबसे पहले तो अगर आप मेरे पास जिस तरह सिल्वर कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपया है, मैं किसी भी जगह से 1 लाख रुपए की जो है वो शॉपिंग कर सकता हूँ। अब 1 लाख रुपए में से अगर मैं 2 माह में अगर 50,000 रुपया मैं खर्च करता हूँ, यानी कि किसी भी जगह से 2 माह में मैं शॉपिंग कर लेता हूँ किसी भी जगह से 50,000 का इनका क्राइटेरिया पूरा करता हूँ, इसके मियार पर मुकम्मल पूरा आता हूँ, तो जो मेरी सालाना फीस है वो माफ कर दी जाएगी। अगर मैं 50,000 रुपया यूज करता हूँ 2 माह, अगर मैं 50,000 2 माह में मैं नहीं यूज करता उसमें मुझे सालाना फीस जो है वो 4,000 एक दफा पे करनी होगी, यानी कि सालाना 1 साल बाद आपको 4,000 पे करनी होगी, वो आपके बिल के साथ ऐड हो जाएगी। अगर आप 50,000 की शॉपिंग कर लेते हैं उसमें आपको कोई भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने यानी कि आपने कोई फीस नहीं एक्स्ट्रा देनी। और इसमें सबसे मजे की बात होती है कि आप इंस्टॉलमेंट पर कोई भी चीज ले सकते हैं, जिस तरह आप किसी भी जगह पर कोई मोबाइल है, जिस तरह दराज है, कोई भी एप्लीकेशन है, यहाँ से आप शॉपिंग करते हैं
या कोई को बड़ी चीज ले लेते हैं, उस पर आपको इंस्टॉलमेंट पर यानी कि जो किस्तें हैं वो आपको उसी रेट से बढ़ती हैं, इसमें इजाफी को टैक्स नहीं पड़ता, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब।